हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है कि किस समय पर कौन सा विषय और किस क्लास का चलेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण के बारे में बता रहे हैं। तो ठीक है, तो देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ रिएक्शंस बता दिए थे और आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं। तो देखिए 10वां नंबर क्या है इसमें, मैग्नीशियम से क्रिया। मैग्नीशियम मतलब Mg, ठीक। मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं। चलिए तो देखिए, जब एथिल ब्रोमाइड ठीक की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ठीक मैग्नीशियम से कराई जाती है तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब रिएक्शन भी दिखा देते हैं। तो देखिए हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। चलिए देखिए रिएक्शन क्या होता है। पहले हम क्या लेंगे, एथिल ब्रोमाइड। तो क्या होता है, C2H5Br, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, ठीक, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब किससे क्रिया कराना है, Mg से, ठीक। तो देखिए प्लस Mg मैग्नीशियम हो गया, अब किसकी उपस्थिति में कराना है, देखिए शुष्क ईथर उपस्थिति किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की, ठीक, दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसका क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनता है, ठीक। अब देखिए ये C2H5 है तो हो गया C2H5 हो गया, अब MgBr, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक। इसका नाम क्या होता है, इसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, लेकिन इसका नाम होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक, इसका नाम हो गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये क्या है, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, समझ में आ गया। चलिए तो हम अगला रिएक्शन देखते हैं, क्या है अगला, है सिल्वर एसीटेट से क्रिया, ठीक। तो चलिए देखिए सिल्वर एसीटेट होता क्या है, पहले इसको देखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, CH3COAG, ठीक। तो क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट। चलिए देखिए तो इसमें क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड, ठीक, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर एसीटेट से कराई जाती है तो एस्टर बनता है। अब एस्टर क्या होता है, बात यह आती है, ठीक। तो चलिए हम आपको रिएक्शन में समझाते हैं कि ये एस्टर होता क्या है, होता क्या है, कैसे बनता है। तो चलिए पहले हम लेंगे, क्या लेंगे, एथिल ब्रोमाइड, तो हो जाएगा C2H5Br, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, ठीक। अब देखिए फिर प्लस हो गया, अब लेंगे ये क्या है, सिल्वर एसीटेट है, तो लेंगे CH3, ठीक, COO और AG, ठीक। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, देखिए पहले CH3 है, ठीक, मार्क ऑफ रिएक्शन हो गया, CH3 हो गया, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, देखिए CH3 और ये COO भी लिख लेते हैं, COO, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसको लिखेंगे C2H5 प्लस, ठीक, दिखाई दे रहा है, चलिए प्लस, अब यहां से Ag निकाल लेंगे और यहां से Br, इन दोनों को सटाकर यहां पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा Ag Br,
समझ में आ गया। अब इसको क्या कहेंगे, इसका तो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। और ये क्या है, ये हो गया एस्टर, इसी को तो एस्टर कहते हैं, ठीक। और इसका एक नाम है एथिल एसीटेट, इसको एस्टर भी कहते हैं और होता है एथिल एसीटेट, ठीक, ये इसका नाम होता है, समझ गए। चलिए तो अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं क्या है। अगला है सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। अब चलिए इसमें देखते हैं सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराई जाती है तो डाई एथिल इथर बनता है, ठीक। जो बनता है तो इसको डाई एथिल इथर कहते हैं, लेकिन इस विधि को इथर बनाने की विलियमसन विधि, विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम आपको ये बताने से पहले बता देंगे सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, ठीक, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए पहले हम उसको बता देते हैं। देखिए तो सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है, तो पहले सोडियम एथॉक्साइड का हम सूत्र देख लेते हैं क्या होता है, C2H5ONa, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है। तो हम इसको लेकर बनाने वाले हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले तो हम ले लेंगे एथिल ब्रोमाइड, ठीक, समझ रहे हैं। चलिए तो ले लेते हैं C2H5Br, ये क्या हो गया एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका सूत्र तो ये होता है, क्लियर है, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए प्लस, ये जो एनए है देख रहे हैं ना, तो पहले हम एनए आगे लिख देते हैं, अब पूछेंगे आप क्यों लिख दे रहे हैं, किस पीछे लिख सकते हैं, तो हम हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है डाई एथिल ईथर, तो उसको हम ऐसे इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे क्योंकि हमारा कोई यौगिक बनना चाहिए। तो चलिए देखिए कैसे बनता है, एनए हो गया, ठीक, फिर उसको हम सिंगल बॉन्ड, फिर ओ हो गया, ठीक, फिर C2H5 हो गया। अब यहां से हम Br के साथ एनए को निकाल के बाहर कर देंगे, देख रहे हैं आप। चलिए ये रिएक्शन का चिन्ह हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां C2H5 है, C2H5, क्लियर है इतना। अब देखिए यहां क्या है, O है तो O लिख देते हैं, फिर C2H5OH, C2H5, ठीक, फिर प्लस करके ये जो हम निकाले हैं बाहर, इसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक। तो देखिए निकाल दे रहे हैं, हो जाएगा NaBr, क्लियर। अब इसका नाम है डाई एथिल ईथर, ठीक, ये हो गया डाई एथिल ईथर। और ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं, ठीक। तो अगला क्या है, क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब क्षार क्या क्या होता है, देखिए क्षार में बाबू साहब देखो KOH आ सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो चलिए पहले हम इसमें KOH ले लेते हैं, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो देखिए ये क्रिया दो पदों में संपन्न होती है, कौन कौन से पद में होती है उसको हम बारी बारी से आपको एकदम डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड जलीय कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करता है तो एल्कोहल बनता है, ठीक, कौन करेगा, एथिल ब्रोमाइड। तो देखिए ये क्या हो गया C2H5Br, मतलब एथिल ब्रोमाइड,
ठीक, प्लस अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां जो के ओ एच हम लिए हैं ठीक, तो ये क्या है इस समय, ये जलीय है ठीक, ये जली है। अब रिएक्शन करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो बी आर है ब्रोमाइड, ये के को निकलकर बाहर हो जाएगा ठीक, ये के साथ बी आर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, सी टू एच फाइव ओ एच हो गया, प्लस ये बी आर है ये के, तो ये हो जाएगा के बी आर। क्लियर है, देखिए कितने सिंपल तरीके से हमको, हमने इसको खोल दिया। अब आप इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल ठीक, और ये क्या होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड ठीक, समझ में आ गया। तो ये पहला था इसका, पहले पद, पहला पद था। अब दूसरा पद देते हैं, देख इसमें जो के ओ एच, ये इसमें जली था ठीक, अब जो होगा वो क्या होगा, एल्कोहली होगा। तो चलिए उसको देखते हैं क्या होता है। देखिए जब एथिल ब्रोमाइड एल्कोहली कास्टिक पोटास, अब देखिए इसमें एल्कोहली का गया, उसमें जली था ठीक, पोटास के साथ क्रिया करता है तो एथिलीन बनाता है, समझ में आ रहा है। तो कैसे बनता है, चलिए हम बना के आपको दिखा देते हैं। तो हो जाएगा C2H5BR, ये क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, प्लस किससे हो रहा है, KOH से, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। तो उसमें तो जली था पहले पद में, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एल्कोहलिक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए लिख देते हैं एल्कोहलिक ठीक, ये एल्कोहलिक हो गया। अब देखिए अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें भी फिर ऐसे ही होगा, देखिए ठीक, तो पहले इसमें से हम के बी आर को निकाल देते हैं ठीक। तो चलिए हम इसको के बी आर निकाल के दिखाते हैं, पहले आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए ठीक। अब क्या बचा, देखिए C2H5OH बचा ठीक। अब आप बोलेंगे कि इसमें एथिल अल्कोहल भी तो बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एल्कोहलिक है ठीक। बात यहां से मेन बात आपको क्लियर करनी होगी, क्योंकि यहाँ एल्कोहलिक है, वहां जली जली था तो बन गया एल्कोहल, यहाँ एल्कोहलिक है तो देखिए क्या बनता है। तो देखिए C2 है, क्लियर है इतना, चलिए इसको लिख लेते हैं C2। अब यहाँ H जितना है, कितना है, 5 तो है ना, तो हम इसमें से 4 ही लिखते हैं, CH4। अब आप पूछेंगे 4 ही क्यों लिखें, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें से जल निकालने वाले हम। तो कितना हो गया, एक 4 ठो ले लिए है ना, तो एक बचा यहाँ पे H, और एक H यहाँ पे बचा है, क्लियर है। तो कितना H हो गया, 2H हो गया राइट। अब O कितना बचा है, 1 हो। तो चलिए अब हम दिखाते हैं H2O, क्लियर हो गया। देखिए हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको खोल दिया ठीक, यस दो था तो दो लिख दिए, ओ कितना है, 1 है, तो हो गया H2O। तो बन क्या गया, ये जो बना है आपका, यही तो है एथिलीन, एथिलीन ठीक, और ये तो जल है, ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब समझ में आ गया, तो अब हम आगे आपको बताते हैं, देखिए इसका क्या है, भौतिक गुण, अभी हमने क्या बता रहे थे, रासायनिक गुण बता रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या हो गया इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण ठीक। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होता है इसका, पहला होता है एथिल ब्रोमाइड, मतलब इसका सूत्र सूत्र ये होता है C2H5Br ठीक। एथिल ब्रोमाइड रंगहीन ठीक, मीठी गंध वाला वाष्पशील भारी द्रव होता है ठीक, समझ आ गया। अब देखिए दूसरा क्या है, यह कार्बनिक विलायकों में विलेय तथा जल में अविलेय है, कार्बनिक में इनके साथ जमती है, मतलब ये उसमें घुल सकते हैं, लेकिन
किसके साथ नहीं घुलेंगे, जल में इनसे इनसे नहीं जमता, इसलिए उसमें नहीं घुल सकते। क्लियर है? चलिए तो देखिए तीसरा क्या है, इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, चलिए तो अब इसका यूजेस देख लेते हैं, क्या उपयोग होता है इसका, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, इसको देखना जरूरी होता है। जब इसके बारे में पढ़ लिए तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इनका काम क्या है, कहाँ यूज होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने में, अभी हमने पीछे आपको रिएक्शन बनाकर दिखाया। क्लियर है? अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप पीछे से वीडियो देख सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, एथिलीन कारक के रूप में। ठीक, जितना रिएक्शन हमने पीछे बताया वो सब आ सकते हैं इसमें। तीसरा क्या है, कार्बनिक संश्लेषणों में। चौथा है औषधियों में, औषधि के निर्माणों में। ठीक, जो औषधियां बनती हैं, दवाइयां वगैरह, उसमें इसका भी उपयोग होता है। ठीक, पांचवा क्या है, निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशी, ठीक, बेहोश करने वाले जो होता है उसमें इसका उपयोग होता है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ठीक है, ताकि हम आपको उसको बता सकें। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि इतनी बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और ये भी बता दिया जाए कि अभी जो आपके तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ठीक, फिलहाल अभी ये तो चलाया जा रहा है। ठीक, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को उसका इंग्लिश और हिंदी का भी मिल जाए तो ठीक है, उसको हम इस सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद उसको स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। ये आप मत घबराइएगा, उसको समय से पहले कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू।